हाइड्रा में सारी बातें हमने लिखा दी थी बेटा, कि इसमें टेस्टिस जो होती हैं वो 1 से 8 हो सकती हैं, कॉनिकल होती हैं डायग्राम में। हाँ वेरी गुड, फिर ठीक है बेटा, चलो बहुत सही है। डाइजेशन, चलो नेक्स्ट करेक्टर होगा बेटा डाइजेशन। डाइजेशन जो होगा बेटा, आपने हाइड्रा को देखा ही था इस तरीके से, इसकी एलिमेंट्री कैनाल थी, इस तरीके से ऐसे डायग्राम आपने बनाया था, ये रफ डायग्राम है आपका। तो देखिए एक बात ध्यान सुनना बेटा, ये आपने डायग्राम बनाया था तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, इस तरीके से इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम है ऐसे। ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर मान लीजिए फूड आता है बेटा, अब ये फूड क्या करेगा, यानी यहाँ पर एंजाइम रिलीज होंगे, यहाँ पे क्या रिलीज होंगे बेटा, एंजाइम्स, और ये फूड पे एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो ये फूड कन्वर्ट हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से। फिर ये क्या हुआ, तो कहाँ इस स्पेस में डाइजेशन हो रहा है ना, एलिमेंट्री कैनाल का जो स्पेस है, ये गट का जो स्पेस है। सर म्यूट कर दो सभी को। ओके ठीक है बेटा, कमांड चलिए देखिए देखिए, यहां पर आपने सारे लोग म्यूट हो गए बेटा ना, तो ये खाना देखिए पहले डाइजेस्ट कहां हुआ है, इस स्पेस में, इसलिए एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। उसके बाद ये फूड एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इन सेल के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस में, और फिर इस सेल के अंदर डाइजेशन होगा। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सर लीड लगा लो, क्यों आवाज नहीं मिल रही बेटा आपको, क्या आवाज आप लोगों को नहीं आ रही बेटा क्या, क्लियर है बस, ठीक है बेटा, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो पहले सेल से बाहर हुआ स्पेस में, सर आवाज तो आ रही है बट क्लियर नहीं दिख रहा। कोई नहीं बेटा, आपको सिर्फ समझना है, ध्यान से देखना, मान लो ये हाइड्रा है बेटा, ठीक है, क्लियर है सर, बिल्कुल आवाज भी, वोड भी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, कोई नहीं है ना। तो ये हाइड्रा की यानी गैस्ट्रोडर्मिस हो गए बेटा। अब वाल की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो देखिए थोड़ा हम एक्सेल बड़ी बना दे ताकि आप बेहतर समझ सके। ये देखिए हमने क्या किया, जैसे इस हाइड्रा ने फूड पकड़ा, फूड यहां पर आ गया, ये देखिए फूड आया, और इस फूड पर एंजाइम एक्शन लेंगे तो ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। इस स्पेस में डाइजेशन हुआ ना, सेल से बाहर, ये तो स्पेस है तो खाली इसमें डाइजेशन हो रहा है। इसलिए सर अगर हम कुछ पूछेंगे तो आपको कैसे सुनगा, इसलिए लीड लगा लो। बेटा संजू, ये वीडियो जो है आपकी रिकॉर्ड होती है तो उस पे बेटा थोड़ा सा वॉइस गड़बड़ हो जाता है, फिर अगर आप कुछ भी पूछा तुरंत मैसेज डालो बेटा, हम आपको तुरंत रिफ्लेक्शन में बोलेंगे, डोंट वरी। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है बेटा ना, तो यू आर टोटली फ्री टू कॉल मी और टू ऑन व्हाट्स में, ठीक है, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा। हम खुद ही चाहते हैं कि हमारे किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम ना रहे, इससे बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है ना बेटा। यस, थोड़ा लीड लगाने से हमको दिक्कत भी होता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए आप डोंट वरी, ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट होगी। चलिए ये बेटा डायसन हो गया, सेल से बाहर हुआ नहीं, इस स्पेस में हुआ। तो पहले कैसा हुआ बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये एक्सटी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सेल के अंदर। अब यहां सेल में डाइजेशन होगा तो होगा इंट्रा सेलुलर। तो बस एक लाइन ही खाली लिखना है, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर, ठीक है ना। डाइजेशन के बाद एक बार ध्यान रखना बेटा, जब डाइजेशन हो जाता है तो ये फूड पूरी इस कैविटी के अंदर घूमती है, ये फूड छोड़ी, जो ये फूड होता है डाइजेस्टेड फूड, इस पूरी कैविटी में ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। तो जिस सेल को, ये जो जितनी भी गैस्ट्रोडर्मिस की सेल है सर, ये तो करवा दिया था, करवा दिया था क्या, अरे भाई तो भी आपको टाइम खर्च करवा दे, नहीं करवाया, ओके ठीक है बेटा।
ये फूड डाइजेशन के बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट होगा जिसकी वजह से जिस सेल को गैस्ट्रोडर्मिस की रिक्वायरमेंट होगी फूड, वो सेल फूड ले लेगी और फिर इस सेल से फूड इनमें चला जाएगा मीजोग्लिया में, मीजोग्लिया से कहां मीजोग्लिया में आ जाएगा, तो ये जो सेल है यहाँ जैसे फूड आ गया तो ये इपिडर्मिस की सेल इस तरह से न्यूट्रिशन ले लेगी, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन ले भी लेता है। तो हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो लिखिए बेटा ब्रो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, आपको बनाना नहीं लग रहा हूं, देन इंट्रा सेलुलर, बस एक लाइन खाली लिखना है आपको, नोट कर लो बेटा। ना ना ये डायग्राम नहीं बनाना बेटा आपको, बस सिर्फ ये पॉइंट लिख दिए खाली बस, वो तो हम एक्सप्लेन करें ताकि आप समझ जाएं, आपको डायग्राम नहीं समझना बेटा, वो डायग्राम बनाना नहीं है आपको, आप चुपचाप सिर्फ लिख लीजिए पॉइंट को। क्या लिखे बेटा निष्ठा, जब सबसे बाहर है क्या बेटा, समझ नहीं जा क्या कह रहे हो निष्ठा, क्या कहना चाहते हो बेटा आप? सर ये आपने डायग्राम मैं ही करवाया दिया था, हाँ यस मैंने थोड़ा अलग से लिखा दिया, कोई नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं करवाया सर इसलिए लिखा दिया, ठीक है कोई नहीं बात नहीं हो गया। एक पॉइंट यहां पर बेटा नोट में लिख लीजिए आप लोग, द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टेड आउट द अन, सर जो सबसे बाहर सेल्स, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो निष्ठा, फूड इजेस्टेड आउट वाया माउथ, और रीजन क्योंकि यहां पर क्या है बेटा एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है सर, जो सबसे बाहर सेल्स है उनमें डाइजेशन होएगा, बिल्कुल होगा बेटा, लिविंग सेल है तो न्यूट्रिशन तो होगा ही, पहले जो गैस्ट्रोडर्मिस से वो सेल लेगी न्यूट्रिशन, वो मीजोग्लियम डाल देगी, मीजोग्लिया से वो सेल्स ले लेंगी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के पास सिंगल ओपनिंग है यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, जिसकी वजह से माउथ और एनस दोनों की तरफ वो सिंगल ओपनिंग काम करेगी, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिस रास्ते से वो खाना खाएगा उसी रास्ते से बाहर निकाल देंगे, हाँ बिल्कुल बेटा, हर सेल जितनी भी लिविंग सेल है उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, हर सेल को चाहिए, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल तो माउथ के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन नोट नंबर वन या उसी में लिख लीजिए, वाइल एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें तो अमोनिया, अमोनिया इज डिफ्यूज्ड आउट थ्रू बॉडी वॉल, ठीक है। अमोनिया जो होता है ये बेटा हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, इसलिए इनकी बॉडी सेल में जैसे जैसे अमोनिया बनेगी वो सीधे डिफ्यूज होकर वाटर में चली जाएगी, ठीक है। हाईली डिफ्यूजिबल भी होती है, हाईली टॉक्सिक भी होती है, तो फिर जाहिर सी बात अमीबा सॉरी सिलेंटेड क्या हुए अमोनोटेलिक, क्योंकि इनका एक्सिटी वेस्ट है क्या अमोनिया, सिलेंट्रेट्स आर अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक का मतलब अमोनिया एक्सिटी वेस्ट निकालते हैं, ठीक है बेटा जल्दी बना लीजिए फटाफट। हो गया
चलिए बेटा सारे लोग, यस चलो देखो बेटा ध्यान से, तो हम आगे कुछ पढ़े इसके पहले जरा बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, सुनना भी है ध्यान से। ये कुछ पॉइंट हैं आपके, हमने आप लोगों से डीपीपी वाली कुछ बात की थी क्या? यस बेटा, फिर आप लोग डीपीपी क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं बेटा। डीपीपी जरूर कर रहे हैं आप, दिल में खाब है अगर कुछ जिंदगी में उठने के, सर वो सेंड करनी है। हाँ यस, आप लोगों को हमें सेंड करनी है या ग्रुप में ही डाल दिया करो आप लोग। ग्रुप में तो शायद व्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे आपसे तो। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, एक बात बता दूं, फिर से एक बार सुन लीजिए, फिजिक्स 10 क्वेश्चन 10 मिनट, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चंस 10 मिनट, जूलॉजी और बॉटनी 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 मिनट्स और 5 मिनट्स। ये आधे घंटे का आपका टेस्ट है, सिर्फ आपको इतना ही करना है आधे घंटे में एज अ टेस्ट। बाकी आपकी अगर मर्जी है तो आप ज्यादा करो, ज्यादा तो आपको करना है क्योंकि आपको तो पूरा मॉड्यूल ही सॉल्व करना है चैप्टर पढ़ करके, बट ये एज अ टेस्ट है आपका डेली का डेली। भले हमारे जिस दिन क्लास लगे ना लगे, ये मत समझो कि सर की जिस दिन क्लास लगेगी उसी दिन हमको करने के देना है। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, हो सकता है 10 मिनट में यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन हो पाए तो कोई बात नहीं, 5 × 4 आप 20 मार्क्स लेकर के आए। एक बात ध्यान देना बेटा, जैसे आपने 5 क्वेश्चन सही किया, 6 क्वेश्चन गलत किया, तो जितने सही किया तो उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 नंबर आ गए। अब गलत कितने हो गए आपके 5, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, कितना नंबर आएगा आपका 15। तो इस तरह से आपको करना है बेटा। हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चन 10 मिनट में ना हो पाए, या हो सकते हैं 8 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाए, तो कोई बात नहीं, आपका टेस्ट है एज अ टेस्ट, आपको घर पे करना है डेली, डेली करना है 7 के 7 डेज, उन चैप्टर से जो चैप्टर आपके टेस्ट में आने वाले। अब जिनको किसी किसी को लग रहा होगा सर मॉड्यूल में कम क्वेश्चन थे, तो हम तो वो उतने कर चुके, कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा रिपीट करो, ठीक है, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जा रहा उस चैप्टर का। समझ गए ना बेटा आप लोग, डेली यही करना है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते, कुछ स्टूडेंट हैं 50 क्वेश्चन के लिए, 20 क्वेश्चन के लिए, 30 के लिए क्रम को भेजते, नहीं, आप सिर्फ आधा घंटे के यही फॉर्मेट बना के आपको करना है, इस फॉर्मेट में हमको देना है, बाकी आप एक्स्ट्रा अपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन ये आएगा टेस्ट है आपका, घर पे डेली का वर्क है। इसमें से कोई प्रॉब्लम फंसती है बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आप कर रहे हो, जैसे मान लो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए, 5 ही हो पाए, आप 5 नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, जब टेस्ट ओवर हो जाए तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन को बाद में करके देखिए क्या वो सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर सॉल्व हो गए तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो पाए, जो हमने 10 का टारगेट आपको दिया था, हो सकता है कि बाद में आपने किया तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 2 रह गए, उन 2 को टीचर से पूछ लिया। समझ गए ना, ये करना है बेटा आपको डेली, ये आपको वर्क करते रहना है ना। और नोट्स का पीडीएफ बना करके जरूर भेजें, क्योंकि जब ऑफलाइन हम मिलेंगे तो सबसे पहले हम सभी की कॉपी चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, आफ्टर दैट उसको एंट्री मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल भी आराम नहीं फरमाना है आपको, बेहतरीन तरीके से लग रहा है। चलिए हेडिंग लिख बेटा फटाफट, नीडो ब्लास्ट, बेटा नीडो ब्लास्ट सेल, या इसको नीडो साइट भी कह सकते हो, नीडो साइट, फटाफट हरिना लिया। डालिए हड्डी बेटा, क्योंकि मुझे डायग्राम ये मिटाना है, डायग्राम बनाना, फाइस यस, नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट।
डायग्राम बनाइए बेटा आपको फटाफट। डायग्राम बनाओ बेटा।
लिखा हुआ बेटा फिल्ड विद हिप्नोटॉक्सिन, यहां नीचे लिखना है बेटा अनडिस्चार्ज नीटोब्लास्ट, अनडिस्चार्ज ये अनडिस्चार्ज है। सर स्टार्ट का अदर नेम क्या है? स्टार्ट का कहां स्टार्ट लिखा है बेटा मैंने? शाफ्ट, शाफ्ट या बट, बंदूक देखा, बंदूक, बंदूक का पीछे वाला चौड़ा जो पोर्शन होता है उसको शाफ्ट या बट ही बोलते हैं, तो वैसे तो ये भी चौड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इसीलिए इसको शाफ्ट या बट बोला गया। सर अनडिस्चार्ज क्या है अभी बताता हूं, डोंट वरी। हो गया बेटा, अगर साइड में जगह है सर स्पेलिंग क्या लिखे? ये सेल मेम्ब्रेन निडोसिल लिड और अपरकुलम सॉफ्ट या बट बी यू डबल टी थ्रेड हाइप्नोटॉक्सिन लोशो प्रिवेंट एवर्डिंग ऑफ कैप्सूल या न्यूक्लियस, ये अनडिस्चार्ज निडोब्लास्ट है। सपोर्टिंग फाइब्रिल नेमेटोसिस्ट कैप्सूल फिल्ड विद हाइप्नोटॉक्सिन, अभी मैं डालूंगा नहीं, डोंट वरी बेटा, एक डायग्राम इधर बनाऊंगा साइड में, आपके पास जगह अगर साइड में तो साइड में ही बना लेना, अदरवाइज नीचे बना लेना। बना लो बेटा फटाफट,
ये डिस्चार्ज रिनोब्लास्ट है, डिस्चार्ज रिनोब्लास्ट। बना लो बेटा, कहां पर बेटा? ये हमने नीडोसिल का CNIDOCIL लोशो प्रिवेंट इवॉल्विंग ऑफ कैप्सूल, जल्दी बनाओ बेटा, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सारे लोगों ने बना लिया बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके विपिन जल्दी बनाओ बेटा। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी जल्दी बना लो बेटा, है ना। नीडोसिल यहां रहेगा ही, नीडोसिल नहीं हटेगा बेटा, वो तो रहेगा ही, ये ध्यान रखना। सर पहले वाला किस चीज का डायग्राम था? ये वाला क्यों नहीं था? ये वाला बेटा? अरे दोनों एक ही डायग्राम है बेटा, आप बना लो अभी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं दोनों डायग्राम। ये अनडिस्चार्ज्ड है, वो डिस्चार्ज्ड है। आप डायग्राम लो फिर, अभी इसमें लिखना भी है हमको बेटा, ठीक है। आपने कभी नाम इसको दिया क्या? देखो नाइडेरियन बोला था, सिलेंट्रेट को आपने क्या कहा था? नाइडेरियन। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी बेटा, ठीक है ना, इससे परेशान मत हो। आप सारे लोग पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज से क्या मतलब। नाइडेरियन, नाइडेरियन, नाइडेरियन बढ़ाया नीडो से, और नीडो को मतलब होता है स्पाइन या थॉर्न, कांटे जैसा स्ट्रक्चर। तो है तो कांटे जैसे स्ट्रक्चर, देखिए ये वाला भी है, ये देखिए यहां भी दिखाया मैंने, और ये इसमें भी देखिए कांटे जैसे दिखाया मैंने। आप डायग्राम बनाइए फिर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारे लोग डायग्राम बनाएंगे बस। स्पाइंस, हो गया, एक्सप्लेन करूं क्या बड़ा? जब एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी पेन वगैरह नहीं चलाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज गायब। तो सुनिए बहुत ध्यान से बेटा, ये नीडोब्लास्ट सेल होती जो कि सिलेंट्रेट्स के पास पाई जाती है। चलो संजू जल्दी करो, संजू करो, हो गया बेटा। चलिए सुनिए जरा ध्यान से, ये सेल जो होती है आप पढ़ चुके हाइड्रा के टेंटिकल्स में पाई जाती है, और ये सेल क्या करती है? हाइड्रा को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, हाइड्रा को फूड प्रोवाइड करने का काम करती है, हाइड्रा को किसी सरफेस से पकड़ने का कभी काम करती है ये। अभी इसके फंक्शन की बात हम करेंगे तो, और फूड को कैसे पकड़ती है, देखिए कैसे इसको जानकारी, भाई इसके पास आंखें थोड़ी ना, ना कोई स्मेल जैसी चीज इसके पास है। हाँ बाकी फिर भी ये पता कर लेता है कि हाँ ये हमारा फूड है, ठीक है ना, क्योंकि डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, या सबसे पहली बार एक नर्व सेल बनती है, दैट इज न्यूरॉन, ठीक है ना।
पोलर वाले सिस्टम में बताएंगे हम आपको कि कौन सा टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है, नॉन पोलर या प्रोटो न्यूरॉन बोलते हैं। अब देखिए ये सेल है और ये इस सेल को उठाइए, उठा करके हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए मुझे समझ लीजिए कि आई एम द हाइड्रा, मैं हाइड्रा हूं और ये है नीडोब्लास्ट सेल मेरा, गजेट सेल फोन। इस सेल फोन, ये सेल फोन का स्ट्रक्चर सेम बिल्कुल इसके जैसा है, ये हमने डायग्राम बेटा कट करके दिखाया तब आप देख पा रहे हो ना, तो अंदर की चीजें हमने कैसे देखी, ठीक है ना, देखना। तो इसको उठाया और ये देखिए मैं हाइड्रा हूं, आप थोड़ी देर के लिए समझ, यू एज्यूम दैट आई एम एन हाइड्रा, और ये क्या है नीडोब्लास्ट सेल को यहाँ पर ऐसे रख दीजिए टेंटिकल्स पे, और ये देखिए मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करता हूँ इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे जैसे करूंगा तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल हमारी है इसमें देखिए कांटा ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से, ऐसे है ना, और यही कांटा क्या करेगा जैसे मैं ऐसे तो घुमाएंगे किसी से टच कर जाएगा, तो जैसे ही टच करेगा मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा हाइड्रा को, मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा, जैसे ही मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा इसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर जाएगी। अब डीपोलराइज का क्या मतलब होता है बेटा, जब आप प्लस सॉरी जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो या पढ़ाऊंगा मैं आपको कि मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज, इनर सरफेस पे माइनस चार्ज होता है, ये पोलराइज डिस्चार्ज होती है, इसको बोला जाता है पोलराइज डिस्चार्ज। और जैसे ही मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा तो डीपोलराइज हो जाएगी, तो डीपोलराइज का मतलब माइनस चार्ज बाहर और प्लस चार्ज अंदर, इसको बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। सिर्फ अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, तो जैसे ही ये नीडोसिल किसी चीज से टकराएगा, किसी शिकार अगर ये करना चाहता है कि किसी शिकार से या किसी पे से टकराएगा तो इसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर जाएगी, और जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसके अंदर पानी इंटर करना शुरू कर जाएगा, ठीक है, और पानी जैसे ही इंटर करना शुरू करेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर बढ़ने लगेगा। तो पहले तो वाटर एब्जॉर्ब हो करके बेटा देखना यहां से, पहले तो वाटर एब्जॉर्ब होके यहां पहुंचेगा इस तरीके से इस वाले खाली स्पेस में, और फिर यहां से वाटर यहां जाने लगेगा इसके अंदर, तो यहां प्रेशर अंदर बढ़ने से लग जाता है, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो आपने आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मूवीज वगैरह में एक डब्बा दिखाते हैं, ऐसे डब्बा होता है और डब्बे को अचानक खोलते तो बेज निकल के छत से बड़ी तेजी से, तो आप ऐसे डर जाता है इस तरीके से, तो झटके से निकलता है ना बाहर, वैसे सेम यहां पर भी होता है, जब पानी इसके अंदर एंटर करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, और उस बढ़े हुए ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो ये लिड है ना कि झटके से ऐसे खुलेगा, तो ये जो सॉफ्ट या पट चाबू जैसा स्ट्रक्चर में दिखाया ये बड़ी तेजी से ऐसे बाहर निकलेगा पलट करके वो भी ऐसे ऐसे, तो ये पलट जाएगा, तो देखिए यहां पर स्पाइंस अंदर हमने दिखाए हैं, इस वाले में दिखाए स्पाइंस बाहर, ठीक है, तो ये पलट जाएगा और जैसे कोई शिकार होगा जैसे पलटेगा तो उस शिकार को ऐसे लग जाएगा। बट सिलेंटेटा लिव्स इन वाटर सो वाटर शुड टच नीडोसिल एवरी टाइम। अरे मनिका बेटा ये खाएगा तो आइए किसी को नहीं खाएगा, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वाटर तो बाहर निकल के आ रहा है, भाई वहां रह रहा है तो इसको जिंदा भी तो रहना है, इसको फूड तो भी मिलेगा, डेफनिया और साइक्लोप वगैरह मिलेंगे इसको खाने के लिए, और भी माइक्रोस्कोपिक फूड वगैरह होते हैं, ठीक है मनिका। ओके निष्ठा, देखो बेटा आप लोग ध्यान सुनना चाह, पहले तो ये डायग्राम आप समझ लीजिए, ये जो डायग्राम देखा है देखिए बेटा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक कैप्सूल ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लिक्विड भरा होता है, इसको हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, ये जहर की तरह काम करता है, पैरालिसिस का तरह काम करता है, और यही पाउच लाइक स्ट्रक्चर कुछ सपोर्टिंग थ्रेड से जुड़ा रहता है, कहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है बेटा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस, ये जो स्पेस का ये सरफेस है बेटा, अंदर स्पेस भी है बट सरफेस से अंदर टच भी तो है, ध्यान देना बेटा, और ये इसका न्यूक्लियस है, तो और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाया कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है, जिसको लसो बोलते हैं,
और ये लशो क्या करता है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को इवर्डिंग होने नहीं देता, नहीं बाहर पलटने देता नहीं। और ये देखिए कांटा है, आ गई बेटा समझ में? तो ये देखिए यहां से ये चौड़ा है और फिर नीचे धीरे धीरे आके पतला हो जाता है और ये ऐसे करके रैप कर गया। तो जैसे हमारा चाबुक नहीं होता है विप, बिल्कुल उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये चौड़े पोर्शन को साफ या बट बोलते हैं और ये थ्रेड पतला हो जाता है तो इसको थ्रेड बोलते हैं। और इसी ये अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होगा, उसके ऊपर ऐसे ढक्कन रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं लिड या ओपरकुलम। अब ये सेल है, ये सेल हाइड्रा के टेंटिकल्स पे पाए जाते हैं। अब हाइड्रा पानी में ऐसे ऐसे चलेगा, इस तरीके से ऐसे 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 चलेगा, जैसे किसी चीज से टकराएगा तुरंत इसको मैकेनिकल स्टिमुलस मिल जाएगा, जैसे नीडल से टकराएगा। लसो समझ नहीं आया बेटा? लसो जो है ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग जैसा, जो कि इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को इनर सरफेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कनेक्ट करने का काम करता है। आ गया समझ बेटा? बोलो मनिका। बेटा एक चीज बताऊं, आप लोग मेरे बताने के बावजूद भी कुछ दो चार लोग हैं जो क्वेश्चन कुछ बैठते हैं कि सर ये बताना वो बताना, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ, इसमें नुकसान आपका होगा बेटा। आप लोग फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जितने लोग भी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, जब आप क्लास ज्वाइन किया करिए तो उस रूम में किसी और को एंट्री मत दीजिए उस दौरान, टोटली फोकस हो करके एकदम सुनिए ध्यान से। बाकी आप मुझे 100 बार पूछो, मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, मैं तो आपको बताता रहूंगा, बट ये है कि इससे क्लास का टाइम वेस्ट होगा तो आप लोग वो ध्यान रखिए। अगर फिर भी मेरे एक्सप्लेन करने के बाद कोई प्रॉब्लम रहती तो यू आर टोटली फ्री टू कॉल मी और टू सेंड व्हाट्सएप मी। समझ गए बेटा? प्लीज ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि पूरा लेक्चर देखिए आप इसमें चला जाएगा। ध्यान देना बेटा, लगभग निकल गया है सर, वीडियो ब्लर और ऑडियो रुक रही है बेटा, वो नेटवर्क इशू हो सकता है। वीडियो ब्लर हो रही है क्या? ठीक तो है, जिसकी तरफ हो रहा है? नो नो, ब्लर नहीं हो रही, तो फिर आपकी तरफ नेटवर्क इशू बेटा। आप दुनिया ध्यान से सारे लोग बहुत ही केयरफुली सुनिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं। देखिए बेटा ये डायग्राम है नीडोब्लास्ट सेल का, ये नीडोब्लास्ट सेल मैंने कहा इसको उठाइए और यहां मेरे टेंटिकल्स में फिट कर दीजिए, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल टेंटिकल्स में ही तो होती है। अब हमको समझ लो कि हाइड्रा के पास आंखें तो नहीं होती कि भाई आंखों से देख रहा है चलो फूड को पकड़ लिया, नहीं, तो नर्व सेल होती उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसको फीलिंग आएगी कि ये हमारे लिए फूड है। देखिए बेटा तो हम हाइड्रा हैं, अब ये देखिए हम ऐसे ऐसे करेंगे जब पानी में, तो ये कांटा निकला हुआ, देखिए ये कांटा निकला, तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज से टकराएगा और जैसे टकराएगा तो इसको मैकेनिकल स्टिमुलस यानी एक स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, डीपोलराइज कर जाएगी, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज करेगी तो वाटर की एंट्री बढ़ जाएगी, वाटर इसके अंदर इंटर करने लग जाएगा, और जब वाटर इंटर करने लग जाएगा तो यहां पर ये जो बहुत ज्यादा वाटर बढ़ेगा तो इसको प्रेशर पड़ने लग जाएगा और इसमें भी थोड़ा बहुत वाटर इंटर करेगा। बेटा डीप पोलराइज का मतलब अभी हमने बताया था, आप कहां थे, कौन पूछ रहे बेटा? सनम, सनम लिखा ना बेटा, आप लोग बहुत ध्यान से, मैं यही तो कहता हूं, ये इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा, इसको ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर सरफेस होता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर के सरफेस होता है नेगेटिव चार्ज, जब ये स्थिति होती है तो इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट। ठीक है, डीपोलराइज का मतलब पॉजिटिव अंदर हो गया नेगेटिव बाहर चल गया। ठीक है, तो जैसे ही मैकेनिकल स्टिमुलस मिलेगा ये डीपोलराइज करेगी, वाटर इंटर करेगा जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर थ्रेड है ना, ये झटके से जैसे आप शर्ट निकालते हो स्कूल से आकर के ऐसे खींच के निकलते हो तो आपकी जो स्लीव है वो पलट जाती है, वैसे ये भी पलट जाएगा क्योंकि ये अंदर से खोखला होता है। ठीक है ना, ये अंदर से खोखला होता है तो जब ये पलट जाएगा तो ये जो अंदर की सरफेस है वो बाहर दिखने लग जाएगी, तो जो कांटे अंदर वो बाहर वाली सरफेस पे आ जाएंगे, और जब ये ऐसे निकलता है, मैंने कहा ना आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में एक ऐसे खिलौने जैसा स्ट्रक्चर आता है, जब वो डब्बा खोलते तो बड़े झटके से ऐसे निकलती तो हम डर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये बाहर ऐसे बड़ी झटके से निकलेगा, तो जब ये झटके से ऐसे निकलेगा तो ये बाहर वाले सरफेस चूंकि कांटे हैं तो समझिए थोड़ी देर के लिए मैं सिखा रहा हूं, तो ये ऐसे जैसे पड़ेगा तो यहीं से हमको फायर्स कर देगा ये, और ये किसमें डूबा था, हिप्नोटॉक्सिन में,
तो जब हिप्नोटॉक्सिन में डूबा हो तो जब जैसे ऐसे निकलेगा तो कांटे भी मार देगा, उसी में छिड़काव भी कर देगा, और जब छिड़काव कर देगा तो देखिए ये हिप्नोटॉक्सिन है एक केमिकल सब्सटेंस, उस प्रे को ये पैरालाइज कर देगा। अब वो प्रे भाग नहीं पाए, बस उसी प्रे को ये इसी थ्रेड से पकड़ करके उठा के मुंह में डाल देगा और टेंटिकल से भी पकड़ लेगा, थ्रेड से नहीं पकड़ता चल रही टेंटिकल से पकड़ेगा बेटा, ठीक है। जैसे वो पैरालाइज हो जाएगा बट टेंटिकल से पकड़ करके फूट को उठा के मुंह में रख लेगा। देन आफ्टर अवर इनटू ब्लड गेट्स टू इनटू ओरिजिनल पोजीशन। नहीं अभी आगे की बात सुनिए, बाद में, पहले इतना समझिए, ठीक है बेटा। अब जब ये बड़ी तेजी से ऐसे निकलेगा तो ये जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है ना ये खत्म हो जाएगी, ये देखिए लूज पड़ गए, तो ये अनडिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज है, इसलिए देखिए यहाँ हमने काफी ज्यादा स्प्रिंग दिखाई, यहाँ पर एकदम लूज कर दिया, और ये धागे जैसे स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर हमने टाइट दिखाए हैं और यहाँ पर देखिए सारे लूज पड़ गए, टूट गए ये सब। तो एक बार नीटोब्लास्ट सेल यूज हो गई, दोबारा यूज में नहीं आती, अब ये हाइड्रा के लिए वेस्ट हो गई। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो जब हमने हाइड्रा का बॉडी वॉल का डायग्राम दिखाया था तो हमने कहा था कि नीटोब्लास्ट सेल जैसे एक बार यूज हो जाएगी वो ऐसे ऐसे टेंटिकल्स के द्वारा जाकर उसके मुंह में चली जाएगी, यानी यूज्ड हाइड्रा को, सॉरी यूज्ड नीटोब्लास्ट को हाइड्रा यूज कर लेता है, खुद खा लेगा। अब वहां पर एक नीटोब्लास्ट सेल कम पड़ गई तो इंटरस्टीशियल सेल भी हमने आपको दिखा रखा है बेटा, वो इंटरस्टीशियल सेल क्या करेगी, नीटोब्लास्ट को दोबारा बना देगी। आपने डायग्राम पीछे वाला देखिए, इसी का मतलब आप ये हुआ कि आप लोग पढ़ते नहीं। तो ये अनडिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज, अब जब डिस्चार्ज हो गए तो यही जो थ्रेड है ना ये बाहर निकल गया, तो बस ये बाहर निकल गया दिखाया मैंने, और ये ढक्कन ऐसे खुल गया, तो ये ढक्कन ऐसे खुला हुआ दिखाया मैंने। क्लियर, डायग्राम हो गया सारा रेडी बेटा, आ गया सबको समझ, काफी लोग क्लास लेफ्ट भी कर दिए, चार पांच लोग, ऑल इज क्लियर, बोलो बेटा किसी प्रॉब्लम, अब होना नहीं चाहिए मेरे समझ से। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये वाला उधर वाला, और ये दोनों डायग्राम देख के आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कौन सी डिस्चार्ज है कौन सी अनडिस्चार्ज है। चलिए लिखने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ बेटा, मिटालू क्या, आप ना बिल्कुल शुरुआत से एकदम अलर्ट रहिए, जरा से भी ढीलापन दिखाएंगे तो आप ब्रेक होने लगेगी आपकी पढ़ाई बेटा, इसलिए आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई में कंजूसी नहीं करनी, ढीलापन बिल्कुल नहीं दिखाना है, एकदम अलर्ट मोड में रहिए, जो कुछ भी हम बोलते हैं आपको वो डेली का डेली उसको रेडी करते रहिए। तब जब आपका टेस्ट आता है तकरीबन 14-15 डेज तो उसके लिए आपको अलग से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं जिस वे में हम आपको बता रहे हैं 10-10 क्वेश्चन उसी वे में उसको करते रहिए, तो आप डीपीपी करते रहिए, प्रैक्टिस भी होती रही होती रहेगी आपकी क्वेश्चंस की, साथ साथ में आपका टेस्ट भी चल रहा है डेली, आप खुद घर पे टेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं कि क्या प्रैक्टिस हमारी बन रही है, कि हम 10 मिनट में या उन आधे घंटे में क्या हम वो 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक प्रैक्टिस है, आप अपने आप को जज कर सकते कि कितने डिविजन में कितना पोर्शन हम कर सकते हैं, ये डेली करते रहना बेटा आपको, ठीक है ना। आगे डालेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डिस्चार्जिंग, ऑफ नीडो ब्लास्ट, फटाफट 2-3 लाइनें हैं बेटा लिख लीजिए, व्हेन नीडोसिल, देखिए जरूरी नहीं कि ये प्रे का शिकार करे तभी ये न्यूट्रलाइज होगा या डिस्चार्ज होगी, कोई शिकार इसको शिकार कर रहा हो, सॉरी कोई शिकारी इसको शिकार कर रहा हो तब पर भी यही काम करता है अपना बचाव करने के लिए, जैसे टच करेगा उसको पायस कर देगा, उस पर छिड़काव कर देगा हिप्नोटॉक्सिन का और अपना भाग लेगा, वो वही थोड़ा सा इधर उधर भाग नहीं पा रहा है वो अपना भाग लेगा, तो ताकि ये मारा ना जाए, ठीक है ना। तो वेन नीडोसिल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद, एनी ऑब्जेक्ट
इट रिसीव्स मैकेनिकल स्टिमुलस, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ऑन गेटिंग मैकेनिकल स्टिमुलस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा क्लियर आ रहा है बोर्ड एकदम अच्छे से? यस ओके ओके, मैंने लिखा बेटा व्हेन नीडोसिल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट इट रिसीव्स मैकेनिकल स्टिमुलस, ऑन गेटिंग मैकेनिकल स्टिमुलस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन gets depolarized due to which water enters within needoblast. Which increases osmotic pressure next point beta due to sudden eroding of thread tube occurs. ठीक है बेटा नोट कीजिए, तो व्हेन नीडोसिल कम्स इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट इट रिसीव्स मैकेनिकल स्टिमुलस, ऑन गेटिंग मैकेनिकल स्टिमुलस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स अ डीपोलराइज ड्यू टू व्हिच द वाटर एंटर्स विद इन नीडोब्लास्ट व्हिच इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये आई एन ये एरो लिखा है और डी लिखा है, इसका मतलब इंक्रीज्ड शॉर्टकट में, ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर सडन इवर्डिंग ऑफ थ्रेड ट्यूब्स अकर्स इट इज डिस्चार्जिंग ऑफ नीडोब्लास्ट. ठीक है, अब आगे आपको पता ही कि अगर शिकार होगा तो उसको फायर कर देगा, नहीं होगा तो अपना ऐसे भाग जाएगा. नोट कर लिया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट discharged needoblast cannot be used again and it is eaten by हाइड्रा. वो टेंटिकल जैसे मान लो यहाँ पे है सेल, एक बार डिस्चार्ज हो गई तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे खिसकती हुई जाती रहेगी, जाती रहेगी तरीके से और आकर के मुंह के अंदर खा के निपटा देगा, तो जो कम पड़ेगी नीडोब्लास्ट वही इंटरस्टिशियल सेल उसको दोबारा बना देगी. नोट कर लो बेटा, कुछ लोग बेटा क्लास को लेफ्ट करते फिर से जुड़ते हैं, लेफ्ट करते फिर से जुड़ते हैं, गलत बात है, शायद नेटवर्क इशू भी हो रहा हो, बट नॉर्मली बेटा लेफ्ट मत किया करें.
हेडिंग ये हो गया बेटा आपका नीडोप्लास्ट।